हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर गोविंद राय गर्ग उर्फ डॉक्टर गोगा, डॉक्टर जीआरजी भी कहते हैं मेरे को। तो आई एम वेरी हैप्पी टू इंट्रोड्यूस डॉक्टर दीपक। डॉक्टर दीपक हैज जस्ट क्लियर द एफएमजी एग्जाम। हाय दीपक, हाउ आर यू? आई एम सर टोटली फाइन. गुड आफ्टरनून सर. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच दीपक। यू आर फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी? सर. आई एम फ्रॉम सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी. आई स्कोर्ड 194 इन रिसेंट एफएमजी एग्जाम. दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट. That's excellent. So Deepak, can you please tell our viewers how did you prepare? Did you start the preparation from the college days, or you just started the preparation right now after coming from the college? Sir, I started preparation from the college days. Okay. I done most of the major subjects from the main videos before completing my graduation from the third year and fourth year and fifth year. ग्रेट So ग्रेट आखिरी तक, मतलब लास्ट में आते आते मेरे को इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था कि भाई सारे 19 के ऑल 19 सब्जेक्ट्स मेरे को कैसे करने होंगे या नहीं करने होंगे. तो गुड कॉन्सेप्ट्स मेजर ये था कि कॉन्सेप्ट बिल्ड करके मैंने ये मेजर सब्जेक्ट जैसे फार्मा, लाइक फार्मा, पैथो, गाइनी, सर्जरी एंड फिजियो, मेडिसिन नहीं कुछ पार्ट किया था, कुछ नहीं कर पाया था. लेकिन मेजर सब्जेक्ट्स ENT, ऑप्था, ये करके आया था, पेडियाट्रिक्स करके आया था. तो लास्ट के 6 मंथ्स में मेरे कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं था कि मेरे को सारे सब्जेक्ट करने होंगे. दैट्स ग्रेट यार। एफएमजी स्टूडेंट से मैं थोड़ा कम सुनता हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम के ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी डेज तो थोड़ा सा मस्ती में निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता टाइम कहाँ चला गया। तो बाद में 6 मंथ्स 1 ईयर में जाके ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। ये सर बहुत डिफिकल्ट है. मतलब अवेयरनेस पहले नहीं होती थी, अब बहुत बच्चे कर रहे हैं. और मैं अपने जूनियर्स को भी यही बोलूंगा जो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, कोई से भी ईयर में हो, स्टार्ट फ्रॉम द मेन वीडियोस एंड बिल्ड मेक कॉन्सेप्ट्स. दैट्स ग्रेट। रोट लर्निंग नहीं चलेगी क्योंकि वो एग्जाम नहीं रहा, अब क्लिनिकल बेस हो गया है. तो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं तो आप इजिली क्रैक कर जाओगे, डुएबल एग्जाम होते. मोरओवर इट्स नॉट ओनली अबाउट एग्जाम, आपको डॉक्टर भी तो बनना है। अच्छा, अगर आप यस एग्जाम पास यस हो गए तो आगे पेशेंट्स को कैसे हैंडल करोगे, तो यस सर यस सर इम्पोर्टेंट है। आपको सीखने के लिए पढ़ना चाहिए मैं बट आई यस थिंक। सर यस सर बढ़िया। अच्छा दीपक, आपने ग्रैंड टेस्ट वगैरह कितने दिए थे और क्वेश्चंस कितने किए थे सॉल्व? सर ग्रैंड टेस्ट मैंने कई प्लेटफॉर्म के दिए थे और कम से कम 7-8 आठ से ज़्यादा ही दिए थे ग्रैंड टेस्ट. और उसमें स्कोर भी मेरा 190, किसी में 200, किसी में 180 ऐसे भी रहता था. 210, 220 भी आया हुआ है. ग्रेट। और क्वेश्चन बैंक में मैं ज़्यादा फोकस नहीं किया था, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे. और नीट पीजी के भी मैं बोलूँगा कि नीट पीजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीट पीजी 5 ईयर्स करो. या INSEAD के भी क्वेश्चन आए हुए थे, मतलब आते हैं उन कॉन्सेप्ट्स पे जो रिसेंटली आए हुए हैं. तो जो भी बच्चा प्रिपेयर कर रहे हैं तो नीट पीजी के लास्ट 5 ईयर्स INSEAD के. और तो सर मैंने ये नोटिस किया कि जो हम क्वेश्चंस करते हैं वो लैंग्वेज बहुत इजी होती है, लेकिन जब हम पेपर दे रहे होते हैं तो वो बहुत घुमा के देते हैं. अगर आपके कॉन्सेप्ट्स हैं सही तो बात। आप वो पेपर बहुत आराम से कर लोगे, अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं बन पाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे दो उसमें. यस यस बिल्कुल, कॉन्सेप्ट्स तो मैटर करते ही हैं। अच्छा दीपक, ये बताइए कि आप डेली का मतलब कितने आवर्स पढ़ते थे, जैसे पर्टिकुलरली लास्ट 6 मंथ्स में? सर 8 to 10 आवर्स ये था, कभी ज़्यादा भी होता था. एक लॉन्ग टर्म में चलते चलते एकदम से बर्स्ट आउट भी होता था तो मैं 1-2 दिन का ब्रेक भी ले लेता, घर पे आ जाता था. लेकिन ये था कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन था. मोटिवेशन तो था ही कि भाई अब तो करना ही है, तो लेकिन कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन था. और कि एक ये भी था कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं था. मैं सर बहुत ज़्यादा ये नहीं था कि क्या करूँ, मेरे से नहीं होगा, कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ा था क्योंकि मेजर चंक मैं करके आया था. तो एकदम से ये नहीं था कि मैं सब कुछ नया पढ़ रहा हूं. ग्रेट ग्रेट। तो दैट मींस जो हमारे व्यूअर्स हैं जो नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वर्ड्स मैं पिकअप कर पाया, एक तो कंसिस्टेंसी है कि आपको लगातार लगे रहना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। यस सर दूसरा डिसिप्लिन है, बिल्कुल डिसिप्लिन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और तीसरा ये है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, कि आप रेगुलरली पढ़ते रहो बट पैनिक मत हो यस कि ये कैसे यस होगा नहीं होगा, तो देन डेफिनेटली एवरीथिंग विल बी डन। यस सो सर कोई आपको और एडवाइस स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं जून एग्जाम के लिए? सर जो मैंने 1-2 गलतियां करी थी कि जब एग्जाम दे रहा था तो एक पहले पार्ट के बाद मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए,
वो मत करना भाई, बहुत प्रेशर हो जाता है। और मेरे को ऐसा था, मेरे कई ठीक भी थे और किसी ने कुछ बोल दिया और मेरे को है ना सेकंड पेपर में इतनी टेंशन हुई, और मतलब वो नहीं, हो सकता है कि बच्चे करते हैं कि नहीं करते, लेकिन मेरे से ही गलती हुई, तो वो मत करना, स्ट्रेस मत लेना। और ये पेपर ड्यूएबल है बहुत आराम से, जैसे आप सर बोलते हो कि क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, कि आपके बहुत एग्जाम्पल्स है, वो पूजा वाला था कि भाई आपको क्वेश्चन देखना है वो कैसे पूछ सकते हैं आखिरी में, कहीं ना नॉट एक्सेप्ट ये क्वेश्चंस आते हैं, तो वो बहुत जरूरी था सर। तो इस चीज में कई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो कुछ मार्क्स से रह जाते हैं इन्हीं वजह से कि वो कौन क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ पाते, पढ़ते सर बहुत बच्चे हैं। तो ये मैं बोलूंगा, बाकी कंसिस्टेंसी रखो, और जो जूनियर्स हैं भाई फर्स्ट ईयर से ही पढ़ो, 3 3 4 4 घंटे, जो कॉन्सेप्ट बनाओ मेन वीडियो से पढ़ाओ, रैपिड रिविजन ये सब ठीक है, ये आखिरी वक्त के लिए होता है, लेकिन कौन मेन कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, कॉन्सेप्ट लोड लर्निंग अब नहीं चलेगी, क्लिनिकल आते हैं क्वेश्चंस। बहुत बढ़िया, एक्सलेंट एडवाइस दीपक। अच्छा दीपक, व्हाट हु आर योर फेवरेट फैकल्टीज फ्रॉम सेरेबेलम अकेडमी? सर इसमें पूछने की बात ही नहीं है सर, आपसे स्टार्ट किया था और ये आज टोटली प्योर ब्लिस फॉर मी कि दैट आई एम गिविंग इंटरव्यू टू यू। आज कुछ अचीव किया है, मेरे पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करते हैं कि मैंने फर्स्ट टाइम उनको कुछ दिया, कुछ करके, कि भाई उनको आज खुशी हो रही है कि भाई डॉक्टर पास कर गया, फर्स्ट टाइम में कर गया। बहुत ज्यादा प्रेशर होता है रिश्तेदारों का, लोग बोलते हैं बहुत मुश्किल एग्जाम होता है, बिल्कुल नहीं होता बच्चों से, लेकिन अगर कोई बच्चा करता है, और जिनका नहीं होता, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका मैं वीडियो देखा था, जिन बच्चों के लिए नहीं हुआ सर ये बहुत जरूरी है, हमें उनको साथ देना होगा, और होगा जरूर होगा, मेहनत करनी है, और आगे इस वाले अटेम्प्ट में ही होगा सबका जिनका नहीं। बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस। तुम्हें भी, तुम्हारे पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई हो। और थैंक यू सर। अभी तो आपकी इंटर्नशिप करनी होगी, है ना? सर यस सर, अभी दिल्ली में ही इंटर्नशिप, अभी हम पासिंग सर्टिफिकेट लेंगे एनएमसी से, देन वी विल अप्लाई फॉर इंटर्नशिप इन दिल्ली मेडिकल काउंसिल। आई विल, फ्यूचर क्या इरादा है, आगे पीजी एंट्रेंस करना है या बाहर जाना है इंडिया से? नहीं नहीं सर, अभी इंडिया में पापा घर वालों के साथ ही रहना है और मेहनत करनी है, पीजी करना है सर, पापा का मम्मी का सपना है कि अच्छा और अच्छा करे। बहुत बढ़िया, ठीक है दीपक, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से सर अपने पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई देना, उन्होंने बहुत मेहनत जी की है, सर बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं इसके लिए, तो जी जी सर मेड देम प्राउड। बहुत बढ़िया बात है, एंड जी कुछ सर दिन एंजॉय करना आराम से, ठीक है? फिर दोबारा से लगता है। जरूर सर, और आपके साथ क्रिकेट खेलूंगा जरूर सर। श्योर श्योर, बिल्कुल रेडी है। थैंक ठीक है सर, थैंक यू, यू, बाय बाय। बाय बाय।